दोस्तों मारुति सुजुकी फ्रॉक्स को जब से शोकेस किया गया है तब से जो लोग बलेनो या 10 लाख से कम की कीमत में अन्य कोई गाड़ी खरीदने वाले थे, मुझे ऐसा लगता है कि युवाएं थोड़ा रुक गए हैं और फ्रॉक्स के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो इस गाड़ी के लगभग सभी डिटेल्स आ गए हैं जिनके बारे में मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जिनमें मैं डिटेल्स में इस गाड़ी के सभी फीचर्स को बताया है। अब बस अभी बाकी हैं तो वह है इसके प्राइस के लिए लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों वैसे तो अभी तक इस गाड़ी के ऑफिशियली जो है प्राइस अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन मैं शोरूम पर विजिट किया था तो यार उन्होंने एक अनुमानित प्राइस बताए हैं, तो सोचा कि आपके साथ भी वो प्राइस शेयर कर दूँ। दोस्तों यह कोई क्लिकबेट के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, यह अनुमानित प्राइस हैं और सीरियसली मुझे भी ऐसा लगता है कि ये प्राइस काफ़ी हद तक सही है। लगभग आप देखेंगे तो इसी प्राइस में ही गाड़ी के जो ऑफिशियली प्राइस आएंगे वो आएंगे, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो सकता है। वैसे जो प्राइस शोरूम वालों ने बताए हैं वो 7.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट होकर इसका जो बेस वेरिएंट है वो 7.5 लाख रुपए में आपको मिलेगा, एक्स शोरूम जो कीमत है सारी सभी इसकी। और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो लगभग 1190 यानी कि 12 लाख के करीब जाएगा, तो इसका जो टॉप वेरिएंट है वो 12 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाएगा। दोस्तों वैसे यह गाड़ी बलेनो को प्लेटफॉर्म पर ही बनाई गई है, इसका जो प्लेटफॉर्म है वो जो बलेनो में यूज़ किया गया है वही फ्रॉक्स में भी यूज़ किया गया है, बस इसे थोड़ा ऊंचा कर दिया है यानी इनका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है और डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। आप अब फ्रंट से देखेंगे तो आपको ग्रैंड विटारा का डिज़ाइन देखने को मिलेगा काफ़ी हद तक, और जो रियर लुक है वो काफ़ी हद तक चेंज किया है और यूनिक लुक लाने की कोशिश करी है कंपनी ने। एक बात जरूर है कि जो बलेनो का एक RS वेरिएंट आता था उसमें टर्बो इंजन मिलता था जिसे कंपनी ने बंद कर दिया था, वही जो टर्बो इंजन उसमें यूज किया गया था 1 लीटर का वो इस मतलब फ्रॉक्स में भी लाया गया है, तो ये अच्छी बात है। जो लोग एक टॉर्की इंजन चाह रहे थे तो उनके लिए एक अच्छी बात है कि उनको अब फ्रॉक्स में ये इंजन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके प्राइस बलेनो के प्राइस से प्रत्येक वेरिएंट में करीब 60 से 70 हज़ार रुपये ज़्यादा रहने वाले हैं, यानी कि जो बलेनो के प्राइस है उससे 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे तब इसका जो है वही वेरिएंट आपको मिल पाएगा। अगर फ्रॉक्स के सभी वेरिएंट के अलग अलग प्राइस की बात करें तो जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप पहली बार विजिट किए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि जैसे ही गाड़ी के बारे में कोई भी ऑफिशियली जानकारी मिलती है, इसके प्राइस वगैरह रिवील होते हैं, तो उसकी जो वीडियो बनाएंगे हम वो आप तक तुरंत पहुँच सकें। और दोस्तों मेहनत को हमारी देखते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों इसके सिग्मा वेरिएंट के प्राइस जो कि एक्स शोरूम रहने वाले हैं, जो इसका बेस वेरिएंट है वो करीब 7.5 लाख रुपए रहने वाले हैं इसके प्राइस। वहीं जो बलेनो का बेस वेरिएंट है उसके 6,56,000 रुपए एक्स शोरूम है प्राइस, तो उससे करीब 60,000 रुपए आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे और ये आपको फ्रॉक्स के प्राइस करीब 7.5 लाख रुपए रह सकते हैं, तो इसके लगभग आस ही पास रहने वाले हैं जब लॉन्च होंगे, तो आप देखेंगे 7.5 लाख या फिर 7.20 तक हो सकते हैं। सिग्मा में मैनुअल ही केवल एक आता है मैनुअल, तो उसके प्राइस हैं। उसके बाद जो इसका डेल्टा वेरिएंट है उसमें मैनुअल आपको जो मैनुअल है उसके करीब प्राइस रहने वाले हैं 7.25 लाख रुपये, 7.25 लाख रुपये इसके डेल्टा वेरिएंट के प्राइस रहने वाले हैं फ्रॉक्स के। और इसका जो डेल्टा का AMT वेरिएंट है, AMT वर्जन है, तो उसमें आपको करीब 8.5 लाख रुपए पे करना होगा, 8,50,000 या 60,000 के समथिंग आपको इसका डेल्टा AMT मिलने वाला है। वही डेल्टा प्लस एक वेरिएंट है, इसमें डेल्टा प्लस में आपको जो मैनुअल है 1.2 लीटर जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें मैनुअल है वो 8,60,65,000 रुपये समथिंग इसका प्राइस रहने वाला है। वहीं डेल्टा AMT ऑटोमेटिक है वो आपको करीब 9.25 लाख रुपये आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, तो ये रहने वाला है। इसी डेल्टा प्लस में ही आपको टर्बो इंजन मिल जाता है, यहाँ से टर्बो इंजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ इस डेल्टा प्लस में आपको केवल मैनुअल मिलने वाला है, तो इसके प्राइस आपको करीब 9.5 लाख रुपये समथिंग पे करने होंगे, 9.5 लाख के समथिंग आपको यहाँ प्राइस देखने को मिलेंगे डेल्टा प्लस टर्बो के।
वहीं अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है जीटा वेरियंट में आपको टर्बो इंजन मिल जाता है, केवल यहाँ से टर्बो इंजन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और टर्बो इंजन मैनुअल जो रहेगा इसका वो 10.25 लाख के करीब इसका प्राइस रहने वाला है जीटा मैनुअल का। वहीं जीटा टर्बो 80 का जो प्राइस है वो 10.70 लाख रुपये की समथिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके जीटा के प्राइस हैं। अब आता है इसका जो टॉप वेरियंट है फ्रॉन्क्स का, अल्फा। अल्फा में मैनुअल आपको करीब 11.30 लाख के समथिंग पड़ेगा इसका मैनुअल जो है वर्जन। वहीं आप अगर AMT ट्रांसमिशन लेते हैं इसका अल्फा का तो आपको करीब 11.90 लाख रुपये यानी 12 लाख के करीब आपको इसका टॉप वेरिएंट AMT में मिलने वाला है। तो ये सारे प्राइस आपको एक्स शोरूम प्राइस बताए हैं। लगभग इन्हीं के आप देखेंगे जब गाड़ी के ऑफिशियल प्राइस आएंगे तो लगभग इसी के लगभग रहने वाले हैं, क्योंकि जो शोरूम ने बताए हैं वहाँ लोगों ने काफ़ी हद तक जानकारी दी है, तो इसमें लगभग यही प्राइस रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे फ्रॉन्क्स के प्राइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई बात पूछना है या अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।